पिछले 2 महीने से। अब चूंकि आचार संहिता 30 तारीख को वापस हट गई है तो हमने आज से ही वापस चालू की है। पर चूंकि उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसलिए आज थोड़े उपभोक्ता कम आए। फिर करीब 20 के आसपास उपभोक्ता आए हैं जिनकी अलग अलग तरह की शिकायत थी। ज़्यादातर शिकायतें इसमें विजिलेंस से रिलेटेड थी। उसको समझौता समिति में लेने के आदेश हम लोगों ने दे दिए हैं। और जिस भी तरह की उनकी समस्या है, और कुछ कनेक्शन से रिलेटेड थी, उन कनेक्शन को भी तुरंत कनेक्शन कराने के निर्देश दिए। आशा है कि अगली जन सुनवाई जो अगले मंगलवार को हम करेंगे उसके अंदर इससे अच्छे सभी को पता लगेगा, तो और भी उपभोक्ता जिनकी कोई ग्रीवेंसेस होगी वो आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को मैं दो निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो निगम ने रेवेन्यू रिकवरी का ड्राइव चला रखा है, उस ड्राइव में कनेक्शन लोगों के कटेंगे तो उन कनेक्शन को काटने से बचने के लिए अपने जो भी बकाया राशि है उनको तुरंत जमा कराएं। और दूसरा ये है कि विजिलेंस चोरी से थोड़ा सा जो लगातार बिजली चोरी की ये सामने आ रही है उन पर किस तरह की कार्रवाई की और कितने मामले पकड़े गए? अभी विजिलेंस चोरी के हम लोगों को जो पिछले हर शनिवार को हम एक ड्राइव चलाते हैं विजिलेंस चोरी पकड़ने का, उसके अलावा हमारी विजिलेंस वीक जो है वो सतत प्रयास में है। इस तरह से मिला के हमने 72,000 जगह पे 1 अप्रैल से अभी तक 72,000 जगह पर हमने छापे मारे। उन 72,000 में 42,000 जगह पे बिजली की चोरी पकड़ी है, जो अपने आप में एक विजिलेंस टीम का बहुत अच्छा प्रयास मानते हुए कीर्तिमान है। और इससे लगभग 40 करोड़ रुपये से 42 करोड़ रुपये की हम लोगों को विजिलेंस चोरी के अंदर जो आय हुई है, ये सब पूरी टीम भावना से काम करने का प्रयास है। आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, मार्च तक हम इसी तरह की विजिलेंस शुरू। सर, वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं, क्या टारगेट रखा है? लगभग 2.5 लाख कनेक्शन हमने 1 अप्रैल 2019 से अभी तक दिए हैं। और जो एग्रीकल्चर कनेक्शन और डोमेस्टिक कनेक्शन जो देने के थे उसके अंदर लक्ष्य हम पूरा कर चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय और सौभाग्य स्कीम के अंदर सारे कनेक्शन हमारी तरफ से हमने जारी कर दिए हैं। फिर भी हमारी जो प्रोजेक्ट की टीम है वो सर्वे करा रही है, अभी और कोई कनेक्शन बाकी रह गया जिसको पता नहीं है तो स्वतः प्रेरित नहीं हुआ, उनको भी प्रेरित करके उनके भी कनेक्शन हम जारी कर रहे हैं। अभी 31 मार्च तक दीनदयाल उपाध्याय की स्कीम बढ़ाई हुई है, उसके तहत जो मैक्सिमम और कनेक्शन हम कर सकेंगे उनको भी हम पूरा करेंगे, पर हमारी तरफ से कोई कनेक्शन नहीं।